तो गाइज अभी अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। कोई रेडी वेडी हुआ नहीं है, किसी का जाने वाने का मन है नहीं। गाइज मैं नहा भी ली हूँ और देखिए खाना ही हूँ। अभी हम लोग बना रहे हैं खाना और इसके बाद रेडी होंगे, जल्दी से चल रहे हैं। आज क्या है, आज है आव्या का मुंडन। तो शैतानी आती है ओए, जुल्फे उल्फे तो भाई गायब हो जाएंगे अभी। बुआ नमस्ते। ये देख को ये हीरोइन को देखो, आओ तुम्हारी फोटो इधर खींच। नहीं छोटा तो नहीं होना चाहिए, चौड़ाई हो बस। हाँ है, सही है, छोटा नहीं, पैर वाला, पैर वाला। कुकु उठो, तो गाइस अभी पे यहाँ सारे लोग आ चुके हैं और मैं एकदम रेडी हो गई थी, लेकिन फुल लुक नहीं दिखा पाई हूँ, मतलब टाइम की बहुत कमी थी, बहुत देर हो रही थी। तो यहाँ देख लीजिए, मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, तो आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हैं, और नहीं देखेंगे तो आगे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ फलाहारी जो कि दीदी वगैरह के लिए। तो अभी सब लोग जा रहे थे और यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो के अब सब लोग निकल लिए हैं। बाबू बैठो। इससे बता दो कि दो आन मेरे मैं टकली हो जाऊंगी। गाइस बोल दो इधर देखो, मैं बालों को अलविदा कर दूंगी। बता दो कह दो गाइस मेरे इतने प्यारे प्यारे बाल आज चले जाएंगे। इधर देखो, इधर देखो, ए इधर देखो, ये ऊपर देखो, छिलाना है? नहीं नहीं, बाल नहीं छिलवाने आए हम लोग, बाल नहीं छिलवाने आए हैं। यही लिए गाड़ी पीछा कर रहे हैं इतनी देर से बेचारे, नहीं दौड़ रहे हैं गाड़ी के साथ साथ। कैसे जान जाते हैं, देख लिए अपना बड़ा बाल। और यहाँ पे बताऊँ, मैं हम लोग जा रहे थे गाड़ी से तो अयोध्या पहुंचते ही ये दादाजी हम लोग के साथ में चल रहे हैं। ये बाहर से इशारा कर रहे थे कि आपको बच्चे का मुंडन कराना है, गाड़ी रोको मैं पार्क करवा देता हूँ। तो वही हम लोग कह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी, तो ई रिक्शे वाले ने भी बोला कि भैया आपकी गाड़ी रुकवाना चाहते हैं, ये कहते हैं बच्चे का मुंडन कराना है। तो खैर हम लोग बहुत स्पीड में हो गए थे, जब मैं स्पीड में होती तो वो स्पीड में चलते थे। और ये है अयोध्या का पूरा हाल, हमें एकदम हो गया है। चलो चलो, तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं नए घाट पे और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। क्या है, नवरात्र का जो है छठा दिन है और यहाँ पे भीड़ की अथाह भीड़ है, कहीं कोई जगह ही नहीं है कि कोई स्टेप पे बैठ के आप कहीं भी मुंडन करवा सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग फाइनली कुछ देर खड़े रहे सोचने विचारने के बाद, बहुत देर बाद हम लोग एक मंदिर थी छोटी सी, उसी के साइड में हम लोग चादर वगैरह ले गए थे, तो वहीं पे बिठा के, तो यहीं पे हम लोग को जगह मिल गई थी, यहीं पे कुछ शांति भी थी, तो यहीं पे बिठा के हम लोग आपे का मुंडन करवाएंगे। चला भैया शुरू करा, बैठा दिया ना, पूरब करके बैठाओ, पूरब
अर्जुन माता आज जाकर जाओ यहाँ पे आपको मिल जाती है ना अर्जुन माता सुधर को अर्जुन भाई मोरवा सुधर रक्षा पर करना सुना ये देखो मऊ तो फाइनली आव्या का मुंडन कराने के बाद ये है नाका की मतलब जहाँ पंडाल हम लोग वापस आ रहे थे तो थोड़ा सा नाका का पंडाल का ले लिए थे और ये सारी फोटोज़ हैं जो हम लोगों ने क्लिक कराई थी और तो इसी में ऐड कर दी है मुंडन के बाद की कुछ मुंडन की पहले की है कुछ बाद की है। तो यहाँ दोनों भैया अपना खड़े हैं और ये है आव्या मुंडन के पहले की कितने बड़े बड़े बाल थे इतनी अच्छी लग रही थी। खैर अभी भी अच्छी लगती है नॉट बैड कि आव्या बुरी लग रही है मुंडन के बाद अभी भी बहुत सुंदर लगती है। ये अपनी बुआ के साथ इन्होंने सबके साथ पहले फोटो खिंचा लेते और वापस आते टाइम ना अनुज इनके लिए ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे चूजे लाए थे इसके खेलने के लिए। रास्ते में हम लोग बोल भी रहे थे कि क्या ले आए हो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे लेकिन आव्या इसके साथ बहुत खेलती है और इन्जॉय भी कर रही थी काफ़ी अच्छा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। चावल पकाओ तो खा लीजिए।